हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ कच्चे आलू से बना हुआ व्रत का रेसिपी। ये बिना किसी तामझाम के, बिना आलू उबाले फटाफट 5 मिनट में बना के आप इसे रेडी कर सकते हैं। सुबह की भाग दौड़ में जब पहले से कोई तैयारी ना हो, चाहे किसी भी टाइम इसे आप आसानी से बना सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। मैं एक लोग के लिए बना रही हूँ तो यहाँ पर मैंने 2 आलू का उपयोग किया है। आप जितने लोग के लिए बना रहे हो उतने आलू का यूज कर सकते हैं। आलू को छील के अच्छे से धो के और उसको जैसे भुजिया काटते हैं ना, आलू की भुजिया बनाते टाइम बिल्कुल वैसे ही कट कर लेना है, पतला पतला पीस काट लेना है आलू का। इस रेसिपी की सबसे बड़ी खासियत है ये जितना अच्छा गरम गरम लगता है, ठंडा होने के बाद भी उतना ही अच्छा लगता है। इसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब नहीं होता है ठंडा होने के बाद, ठंडे होने के बाद भी ये बहुत टेस्टी लगता है। आप चाहे तो इसे किसी को लंच में भी पैक करके दे सकते हैं। अगर कोई वर्किंग है और वो व्रत रखा हुआ है तो आप उसके लंच में ऐसे पैक करके दे सकते हैं। देखिए, आलू हमारा कट के रेडी है बिल्कुल पतले पतले स्लाइसेस में। ये नया वाला आलू है तो ये 4 से 5 मिनट में एकदम सॉफ्ट हो जाता है, गल जाता है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता इसको, और 1 चम्मच घी में बन के रेडी हो जाता है। इसमें डालने के लिए मैंने यहाँ पे 1/2 कटोरी मूंगफली दाना, 1 कटोरी मखाना और 4 हरी मिर्च को बीच से चीरा लगा के रख लिया है। अब मैंने गैस पे कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है। इसमें मैं ऐड की हूँ 1 चम्मच घी, 1 टीस्पून घी ऐड किया है मैंने। घी जब अच्छे से मेल्ट हो जाए, गर्म हो जाए, तो इसमें हम ऐड कर देंगे मूंगफली दाना। मूंगफली दाना को पहले भून लेना है मीडियम फ्लेम पे। मूंगफली के साथ साथ हम मखाने को भी भून लेंगे। मखाने को भी मैंने कढ़ाई में डाल दिया है मीडियम फ्लेम पे। इसको 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। मूंगफली जो हमारी है वो चटकने लगेगी, बीच से खुल जाएगी ऐसे, और थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो जाएगा। अब देख सकते हैं मूंगफली और मखाने भून गए हैं। अब इनको हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में 1 चम्मच और घी ऐड करेंगे। कढ़ाई हमारी पहले से गर्म है और घी भी हमारी गर्म हो गई है, तो इसमें हम 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा फलहार में आता है, आप इसे खा सकते हैं। हरी मिर्च को भी मैंने ऐड कर दिया है और जो हमने आलू काट के रखा था उसे भी कढ़ाई में डाल दिया है। गैस का फ्लेम लो करके इसे हम चला लेंगे और कवर करके कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर बाद कवर हटा के मैं चेक कर ले रही हूँ। आप देख सकते हैं आलू का कलर चेंज होने लगा है, आलू हमारा काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक, व्रत वाला जो नमक आता है सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट जो हल्का गुलाबी कलर का होता है उसे मैं ऐड कर रही हूँ। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे हम। 2-3 चुटकी काली मिर्च पाउडर डालेंगे, अगर काली मिर्च पाउडर नहीं है तो कूट के डाल लें आप। अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से मिला लेंगे, फिर से इसको कवर करके 2 मिनट के लिए बस छोड़ना है ताकि मसाले और मिर्च के साथ अच्छे से सेट हो जाए। 2 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं, देख के लग रहा है कि आलू हमारे अच्छे से पक गए हैं और इसमें ब्राउन स्पॉट पड़ गए हैं। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है आलू का भुजिया। देखिए मैं पास से दिखा दे रही हूँ, ये अच्छे से कुक हो गया है। इसमें जो हमने मखाने और मूंगफली भून के रखे थे उसे ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। गर्मा गर्म अगर परोसना है तो गर्म गर्म परोसिए, नहीं तो ये ठंडा होने के बाद भी अच्छा लगता है, कोई टेस्ट में फर्क नहीं पड़ता है इसके। आप देख सकते हैं ये आलू और मूंगफली की भुजिया कितनी खिली खिली दिख रही है, बहुत ही टेस्टी लगती है। आज तक की जितने भी व्रत की रेसिपी मैंने खाया था सबसे टेस्टी लगी मुझे और सबसे ईजी लगी। इतना कम टाइम में कोई भी रेसिपी बन के रेडी नहीं होती है, फटाफट बनती है रेसिपी, क्योंकि इसमें पहले से कोई हमको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती है। आलू सबके पास होता है और नवरात्रि का टाइम चल रहा है, व्रत का टाइम है, तो मूँगफली और मखाने घर में मिल ही जाएंगे और बस 1 चम्मच घी में ही बन के रेडी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात कि बच्चे भी इसे खा लेंगे। कई बार बड़ों को देख के बच्चे भी व्रत रख लेते हैं और फिर परेशान होते हैं, तो अगर ये वाली रेसिपी अगर उनको देंगे तो बहुत ही शौक से खाएंगे और भरपेट खाएंगे। इसे आप दही के साथ दे सकते हैं, दही के साथ भी ये आलू बहुत ही अच्छे लगते हैं, नहीं तो आप इसे प्लेन भी खाएं। देखिए, उम्मीद है आपको व्रत वाली ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट करके बताएं कि आपने बनाया तो कैसा बना और आपको कैसा लगा।
अगर इस रेसिपी को हम सुबह खा लेते हैं बना के, तो पूरे दिन हमें कुछ और खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही अच्छा फील होता है और कोई भूख नहीं लगती है, बिल्कुल वीकनेस नहीं फील होता है और बहुत ही टेस्टी लगता है ये। तो अगर आप व्रत में नमक खाते हैं और कुछ बनाना चाह रहे हैं बहुत कम टाइम में, तो रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।